तो हमारा दूसरा व्लॉग यहाँ से शुरू होता है, हिमाचल से, रोहड़ू से। हम जा रहे हैं अभी गाड़ी लोडिंग के लिए, रोहड़ू से थोड़ा आगे से। ये देख सकते हैं आप, रोहड़ू का बस स्टैंड है। नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का भी। तो अभी ये आ चुके हैं हम लोडिंग पॉइंट पर, गाड़ी लोड होनी शुरू हो चुकी है हमारी। देखो किस टाइम में लोड होकर निकलती है अपनी गाड़ी। अभी पहली ढांग लग रही है गाड़ी में, और ये हो चुकी है हमारी गाड़ी फाइनली लोड। 12 बज रहे हैं रात के। लो अभी हम रस्सा तिरपाल करने जाएंगे। ये रस्सा निकाल रहे हैं आसू भाई, और तुम्हारा भाई अभी ऊपर चढ़ता है गाड़ी के ऊपर। तो रस्सा करने के बाद मिलते हैं आपको। तो फाइनली हमारी तिरपाल हो चुकी है गाइस। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे शीशे वीशे साफ करके। अभी हम फ्री हो चुके हैं बिल्कुल। तो हम वहाँ से निकल चुके हैं। मैं अभी थोड़ी आगे जाके हमें थोड़ी नींद पूरी करनी है अपनी, फिर सुबह को देखते हैं। अभी थोड़ा जितना सफ़र कटता है देखते हैं। आलकस भी आ रहा है गाड़ी चलाते हुए। तो फाइनली हम जो है सो के उठ चुके हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की हुई थी, यहाँ पे आके सोए थे हम। अभी नाश्ता करने जाएंगे हम। हालत भी नींद में देखो कैसी हो रही है तुम्हारे भाई की। अभी मुँह हाथ धो के कुछ खाना खाने जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे। तो हम नाश्ता करके वहाँ से निकल चुके हैं आधा घंटा पहले। बस्ती है भाई यहाँ पे गाड़ी। अभी ये यहाँ पे सामने से पिकअप आ चुकी है। यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है, तो इसलिए बड़ी गाड़ी पीछे जा नहीं सकती, पीछे जगह भी नहीं है, तो इसलिए इसे पीछे जाना होगा। चोरी चोरी। ये आपका भाई लाल खान 02, साथ में मेरे भान जाए। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टायर चेक करने के लिए रुके थे। यहाँ पे 6 सी भी है, देखते हैं। ये भी सही है, चलो ये भी सही है। टायरों का ध्यान रखना पड़ता है पहाड़ों में, ज़्यादा पत्थर पुत्थर पे चढ़ जाती है गाड़ी, इसलिए तीनों गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी है। ये अपना भाई भतीजा है, ये आपका भाई लाल खान 02। मन लग रहा है यहाँ पर भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लड़का है ये। ये अपनी 4465। तो भाई वहाँ से तो आ चुके हैं। ये मीनस पार करके क्वारों वाले रोड तो बहुत ज़्यादा घटे हैं, बहुत मुश्किल से चला जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा घटे हैं भाई, परेशान हो जाते हैं। फिर भी कोई नहीं, चलते हुए मन लगता है इधर को, ज़्यादा सफर नहीं पड़ता है। तो फाइनली रोड आ चुका है गजब का। इस रोड पर सफ़र भी अच्छा कट रहा है, रिव्यू भी अच्छा है, सभी चीज़ें अच्छी हैं, मन लग रहा है यहाँ पे। रोड अच्छा है दिखने में भी, और नज़ारा भी सही है बाहर का। अभी कहीं पे देखते हैं रुक कर खाने के लिए। यहाँ पे गाड़ी बचना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ से ही रोड बना हुआ है, छोटा रोड है, और सामने वाली गाड़ियाँ मोड़ पर ही फंसती है, ज़्यादातर जाम यहीं पे लगता है। तो अभी हो चुका है रात का टाइम, सिलोली सिलोली अपना सफ़र जारी है। देख सकते हो आप पहाड़ की तरफ का नज़ारा भी, लाइटें ऑन कर दी गई है। तो अभी हम यहाँ पे बांध के पास में रुके हुए हैं। यहाँ पे एक गाड़ी चल रही थी, वो मिसिंग मार रही थी, वो चढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपनी वाली गाड़ी नीचे पीछे ही खड़ी कर दी थी, सामने वो खड़ी सामने। तो अभी यहाँ से चल, वो अपनी 4465 सामने खड़ी है, यहाँ से निकलते हैं अब हम। तो वहाँ से तो निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पे मलबा गिर गया गाड़ी के आगे भाई, बाल बाल बचे बिल्कुल। यहाँ पर ऊपर की तरफ से बहुत हाइट से नीचे गिरा है ये मलबा, यहाँ पर दूसरी साइड में खाई है, यहाँ से निकलना मुश्किल।
तो भाई वहाँ से तो फाइनली रात में ही निकल कर आ चुके थे हम। बहुत मुश्किल हुई थी, हमारे टायर में पंचर भी हो गया था। अभी यहाँ पे पंचर लगवाने की तैयारी चल रही है, तो वहाँ से हम पंचर लगवा लू के निकल चुके हैं। ये अपना मुरादाबाद वाला रोड है, इस पर चल रहे हैं हम। गर्मी हो रही है इधर तो बहुत ज़्यादा, चेहरे से पता चल रहा होगा आप लोगों को, बहुत गर्मी हो रही है भाई। इधर थोड़ा सिलोली सिलोली सफ़र काटना पड़ेगा गर्मी की वजह से, टायरों को चेक करते हुए जाना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म नहीं चला सकते टायरों को भी, तो अभी हम कांटा करवा के निकल रहे हैं यहाँ से। कांटा कराया था कभी गाड़ी में, ज़्यादा वजन हो, अंदर लोड गाड़ी है। ये सम्मल वाला रोड बोला जाता है अपना, हसनपुर से सम्मल की तरफ को जो रोड जाता है। तो ये अपना चंदौसी बाईपास पे आ चुके हैं हम। ये आपका भाई, तो अभी ये शुरू हो चुका है अपना बदायूं वाला रोड चंदौसी की तरफ। ये रोड बिल्कुल खाली मिलता है, इस पर अच्छा सफ़र कटता है, अच्छा रोड है। इसी रोड पे मैंने गाड़ी सीखी थी। इस रोड का बहुत तगड़ा वाला फैन है तुम्हारा भाई, मन लगता है बहुत इस रोड पे गाड़ी चलाते हुए, फीलिंग आती है भाई मुझे तो, गजब का सीन लगता है इस रोड पर। आपको बताओ आपको कैसा लग रहा है नज़ारा यहाँ का रोड का, दोनों तरफ से पेड़ रोड पर छे। तो अभी तुम्हारा भाई पहुंच चुका है बदायूं। ये बदायूं का फर्स्ट वाला चौराहा पड़ता है। तो अभी जो है रात हो चुकी है, हम आ चुके हैं शाहजहानपुर वाले रोड पे। बहुत तक के खाब हो गए, इधर उधर हो गए हैं, रास्ता बनता है एक जगह पे। हालत भी ख़राब हो गई, वहीं पर चल कर नहाना पड़ेगा आगे जाके। फिलहाल भाई कैसे हो गए, तो अभी हमें निकल चुका है दिन, हम पहुंच चुके हैं इस टाइम गोरखपुर के पास में। अपना सफ़र जारी है, आगे हमें दो गाड़ियां और मिलेंगी, रईस भाई वाली और वाजिद भाई वाली। आगे वो खड़े हुए मिलेंगे हमें बॉर्डर के आसपास में कहीं पे, दोनों गाड़ियां। चलो फिर सफ़र को जारी रखते हैं अपने। मौसम अच्छा हो रहा है, मन लगने वाला रिलीफ है। तो फाइनली आ चुके हैं हम दोनों गाड़ियों के पास में पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हम डीजल गिरवा के चलेंगे। पीछे खड़ी है वो दूसरी वाली गाड़ी, देख सकते हो आप। अभी यहाँ से डीजल गिरवाने के बाद हम साथ साथ में निकलेंगे तीनों गाड़ियाँ। वहाँ से निकल चुके हैं, रईस भाई वाली गाड़ी मेरे आगे चल रही है, इसके आगे चल रही है वाजिद भाई वाली गाड़ी। तीनों साथ साथ में जा रहे हैं। एक गाड़ी सिलीगुड़ी जाएगी, एक फारमिंगर और एक जाएगी सूरज। तो चलते रहते, मिलते रहते आपसे रास्ते में। तो हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पुरानिया वाले रोड पर। अपना सफ़र वैसे का वैसे ही चालू है। मैं रईस भाई वाली गाड़ी में आकर बैठ गया था। ये वाजिद भाई है और दूसरी तरफ ड्राइविंग कर रहे हैं वो रईस भाई है। मैं इनके पास कोई आ गया था, मैं चलो भाई यार दोस्तों से भी मिलना ज़रूरी होता है। और ये 4465 89 7877 चल रही हैं। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं डीजल लेने के लिए फारमिसगंज में। रईस भाई वाली गाड़ी निकल चुकी है। फाइनली गए हम मंडी पहुंच चुके हैं। आज का हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तुम्हारा भाई अभी सो के उठा है, अब नाश्ता करने के लिए जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ये व्लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।